हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तानी लिटरेचर को और एक बहुत ही फेमस नावल द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, जो कि एक ब्रिटिश और पाकिस्तानी राइटर मोहसिन हामिद ने लिखा। व्यूअर्स, ये नावल 2007 में पब्लिश हुआ और ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया, यानी एक पर्सन कॉन्टिन्यूली बोल रहे हैं और सामने वाले उसको सुन रहे हैं। फिर ये फ्रेम स्टोरी है, यानी स्टोरी विद इन स्टोरी, स्टोरी के अंदर एक मेन करेक्टर है जो होल स्टोरी को नरेट करता है। इसकी सेटिंग रखी गई यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान में लेट 90s और अर्ली 20s के टाइम पीरियड के दौरान, और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो व्यूअर्स, इस नावल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं ताकि नावल की स्टोरी समझ में आसानी से आ सके। ये नावल 9/11 के अटैक पर बेस्ड है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर एक अटैक हुआ और ये अटैक अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ट्विन्स टावर पर किया गया था, और इस हमले में तकरीबन 3000 लोग मारे गए और ट्विन्स टावर को भी तबाह कर दिया गया। और इस हमले का इल्ज़ाम मुसलमानों के एक ग्रुप पर लगा दिया गया कि ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ने किया है, और अलकायदा एक मुस्लिम ग्रुप है जिसका लीडर उसामा बिन लादिन है, ये अटैक उसी ने करवाया है। और फिर अमेरिका ने इसका रिस्पॉन्ड वार ऑन टेरर के ज़रिए किया, यानी बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स अफ़गानिस्तान में घुस गए, वहाँ पर अटैक किया और मुसलमानों को मार डाला। इस हमले के बाद पूरी दुनिया की तारीख चेंज हो गई और अब मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाने लगा। सो व्यूअर्स, अब नावल स्टार्ट करते हैं। द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, फंडामेंटलिस्ट मतलब बुनियाद परस्त, यानी ऐसा जो अपने बिलीव पर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और रिलेक्टेंट मतलब अनविलिंग, बेचैन सा। सो टाइटल सिग्निफाई करता है कि करेक्टर बहुत कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आती वो कैसे रिएक्ट करे, यानी रिलीजियस हो या कैपिटलिस्ट। सो कहानी स्टार्ट होती है पाकिस्तान के शहर लाहौर से, जहां अनारकली बाज़ार में नावल का प्रोटैगोनिस्ट और नरेटर यानी चंगेज़ घूम रहा होता है और एक स्ट्रेंजर से मिलता है। इस स्ट्रेंजर की ज़ाहरी शक्ल, अपेयरेंस और लुकिंग से चंगेज़ को यूँ लगता है कि जैसे वो अमेरिकन है, क्योंकि चंगेज़ अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी बोल लेता है। वो उससे बातें करता है और उसको अपने साथ कैफ़े में ले जाता है, जहाँ वो दोनों चाय पीते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। फिर चंगेज़ उसको अपने बारे में बताना शुरू करता है कि वो एक पाकिस्तानी फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन अमेरिका में रहता था, और अमेरिका में उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और जल्दी ही वो अपने टैलेंट के बायस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का ब्राइट स्टूडेंट बन जाता है और हाई ग्रेड्स हासिल करता है। क्योंकि चंगेज़ का फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो वो उसके साथ साथ जॉब्स वगैरह भी करता है, और वो एक चीज़ नोट करता है कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया से ब्रिलियंट माइंड्स को मुख्तलिफ स्कॉलरशिप और स्टूडेंट वीज़ा देकर US बुलाते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं और फिर उनके आइडियाज़ और एबिलिटीज़ को अमेरिकन कंपनी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन उस वक्त चंगेज़ को इस बात का एहसास नहीं होता, और वो यहाँ फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर रहा होता है, और अपने सीनियर साल के बिल्कुल एंड में वो एक कंपनी अंडरवुड सैमसन के इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाता है, जो कंपनियों की वर्थ का पता लगाती है, और ये लोग उन्हें मुख्तलिफ सलाहें देते हैं कि कैसे कंपनी की वर्थ को बढ़ाया जाए। सो अब यूँ होता है कि इंटरव्यू के दौरान कंपनी का हेड जिम चंगेज़ को कहता है कि वो किसी तरह से उसे कन्विंस करे ये जॉब ऑफर करने के लिए। चंगेज़ उसे एज अ सॉसर प्लेयर अपनी कुछ सलाहियतें वगैरह बताता है, लेकिन जिम उसे कहता है कि उसे खबर है कि चंगेज़ यहाँ फाइनेंशियल एड पर है, उसकी माशी हालत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, और ख़ुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो कोई नौकरी वगैरह भी करता है। वो इसे अपने क्लासमेट्स और दोस्तों को नहीं बताता और जाहिर ये करवाता है कि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। चंगेज़ उसके इस पर्सनल क्वेश्चन से हैरान होता है, लेकिन जिम कहता है कि वो भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और वो भी अपना बैकग्राउंड इसी तरह छुपाता था, और उसने अपने दोस्तों में किसी को नहीं बताया था कि वो स्कॉलरशिप पर है। सो वो चंगेज़ को नौकरी दे देता है। सो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन होने तक और अंडरवुड सैमसन में करियर स्टार्ट करने से पहले चंगेज़ ग्रीस जाता है कुछ अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां गुजारने, और यहाँ वो एरिका से मिलता है। एरिका बहुत ही खूबसूरत और यंग वूमेन है जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है। चंगेज़ इसके साथ टाइम स्पेंड करता है और जल्द ही चंगेज़ को एरिका से लव हो जाता है। सो न्यूयॉर्क वापस आकर चंगेज़ अंडरवुड सैमसन से अपने करियर का आगाज़ करता है और एक न्यू ट्रेनी वैन राइड से भी दोस्ती कर लेता है। चंगेज़ की काबिलियत और टैलेंट की वजह से इसके सारे साथी और सुपरवाइजर्स इसकी तारीफ़ करते हैं। एरिका भी इसी सिटी यानी न्यूयॉर्क में रहती है और वो अपना ज़्यादातर टाइम एरिका के साथ ही स्पेंड करता है।
और वो उसे पार्टीज़ और डिनर्स वगैरह पे भी इनवाइट करती है। लेकिन चंगेज़ एक बात नोट करता है कि एरिका सब लोगों में भी अकेली अकेली रहती है। तो चंगेज़ के पूछने पर वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड और बचपन का दोस्त जिसका नाम क्रिस था, उसकी पिछले साल डेथ हो गई और अब वो उसकी यादों में हर वक्त खोई रहती है, उसे बुला नहीं सकती और उसके अलावा किसी और के बारे में भी नहीं सोचती। और फिर 9/11 के अटैक्स होते हैं। मनीला में काम करते हुए चंगेज़ 11 सितंबर 2001 को ट्विन टावर्स की खबर सुनता है और ऑब्जर्व करता है कि कैसे पावरफुल और एरोगेंट अमेरिका घुटनों के बल गिर गया है। चंगेज़ को इस बात का ज़रा भी दुख नहीं होता, बल्कि वो खुशी महसूस करता है। उसके बाद न्यूयॉर्क वापसी की फ़्लाइट पर उसे एयरपोर्ट रोक लिया जाता है और उसके साथ थोड़ा अजीब सलूक किया जाता है, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। तो वो न्यूयॉर्क सिटी और अंडरवुड सैमसन में दिन ब दिन बढ़ती हुई रेसिसिज्म को नोट करता है कि कैसे अब अमेरिका अग्रेसिवली पैट्रियोटिक हो गया, और वो देखता है कि सिटी में मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज पर तशद्दुद किया जाने लगा है और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर भी अटैक्स करना शुरू कर दिए हैं। 9/11 के इस वाक्य के बाद एरिका भी ट्रॉमा में होती है और वो क्रिस की यादों में खो जाती है। एक रात चंगेज़ और एरिका सेक्स भी करते हैं। चूंकि एरिका हर वक्त क्रिस के बारे में सोचती है तो वो मना कर देती है, लेकिन चंगेज़ उसे कहता है कि वो यूं सोचे जैसे चंगेज़ ही क्रिस है। उसे लगा कि ऐसे वो दोनों करीब आ जाएंगे, लेकिन एरिका उसे अभी भी दूर हो रही थी। चंगेज़ 9/11 के बाद एक गैर मुल्की तौर पर न्यूयॉर्क और यूएस में बढ़ती हुई बेचैनी को महसूस करता है और फिर वो अपने वतन वापस यानी पाकिस्तान आ जाता है। और यहाँ उसके सब फैमिली मेंबर्स डिस्कस करते हैं कि किस तरह अमेरिका इंडिया की हमायत कर रहा है और पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। ये सब जानकर चंगेज़ बहुत परेशान हो जाता है और वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता है। यानी उसे समझ ही नहीं आता कि वो एक ही वक्त में पूरी तरह से पाकिस्तानी है या अमेरिकन, इन दोनों में से वो किसका साथ दे। और जब वो अंडरवुड सैमसन वापस पहुंचता है तो उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी होती है और उसके इर्द गिर्द के लोग और उसके कोलीग्स उसकी दाढ़ी से अनइजी फील करते हैं और उसे टेररिस्ट समझा जाने लगता है। और वेन राइट भी उसे वार्न करता है कि वो अपने कल्चरल डिफरेंसेस को ऑफिस के बाहर रखे। इन सब के बावजूद वो शेव करवाने से इनकार कर देता है और फिर वो एरिका को ईमेल्स वगैरह करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो वो रियलाइज़ करता है कि वो एरिका के लिए क्रिस बनने को भी तैयार था और क्रिस की तरह भी प्रिटेंड कर सकता था, लेकिन एरिका को फिर भी उससे लव नहीं हुआ। इस पूरे नॉवल में एरिका रिप्रेजेंट करती है अमेरिका को और चंगेज़ रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। और फिर एक दिन चंगेज़ अंडरवुड सैमसन के लिए चिली का सफ़र करता है और एक पब्लिशिंग कंपनी के प्रेसिडेंट जॉन बटिस्टा से मिलता है और वो चंगेज़ को कहता है कि वो एक जेनेसरी है। जेनेसरी उन क्रिश्चियंस को कहा जाता था जिन्हें स्लेबी जंगों में ऑटमन एम्पायर किडनैप करते थे और फिर उन्हें दूसरे क्रिश्चियन से लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता था। और ये लोग बहुत लॉयल वॉरियर्स होते थे क्योंकि ये अपनी ही सिविलाइजेशन, अपनी ही तहजीब को अपने हाथों से तबाह कर देते थे। उन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता था, इस तरह से उनके माइंड मैन्यूपुलेट किए जाते थे कि वो अपने ही तहजीब के खिलाफ उठ खड़े हों। सो जॉन बटिस्टा की बातों से चंगेज़ को लगता है कि वो भी मॉडर्न डे का जेनेसरी है जिसको अपने ही सिविलाइजेशन के खिलाफ लड़ने पर फोर्स किया जा रहा है और अंडरवुड सैमसन के लिए काम करके वो अपने मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। सो चंगेज़ अपने असाइनमेंट के मिड में ही न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और अंडरवुड सैमसन में काम करने से इनकार कर देता है और वो जॉन बटिस्टा के लिए बहुत थैंक्स फील करता है कि उसने ही उसे अमेरिका की असली रूप देखने के काबिल बनाया। और उसे लगता है कि फाइनेंस ही वो वेपन है जिसके ज़रिए अमेरिका नॉन वेस्टर्न कंपनीज़ को मैन्युपुलेट करता है। सो अब वो इस कंपनी में काम करने से इनकार कर देता है। जिम उसे फायर कर देते हैं लेकिन उसके लिए सिंपथेटिक फील करता है और उसके लिए हमदर्दी रखता है। सो अब चंगेज़ फिर एरिका से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन अब की बार भी उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वो उसके क्लिनिक पर भी जाता है और सारी जगह विज़िट करता है जहां वो जाया करती थी, लेकिन उसे एरिका का कहीं पता नहीं चलता। चंगेज़ एयरपोर्ट पर भी अमेरिकन इंपीरियलिज्म और रेसिसिज्म को नोट करता है। सो वतन वापस आकर चंगेज़ एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देना शुरू कर देता है और एंटी अमेरिकन सबूतों की हिमायत करता है, हालांकि वो ये भी कहता है कि वो तशद्दुद को इनकरेज नहीं करता। और यहाँ चंगेज़ अपनी कहानी को ख़त्म कर देता है जो वो लाहौर के अनारकली बाज़ार में एक कैफ़े में स्ट्रेंजर को सुना रहा होता है। फिर चंगेज़ नोट करता है कि वो स्ट्रेंजर कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और उसके पास जैकेट के नीचे कुछ है, एग्जैक्ट वहीं जहाँ पे स्पाइस बंदूक रखते हैं। और वेटर जो उन्हें खाना वगैरह पेश करता है कुछ अनईजी फील करता है, लेकिन चंगेज़ उसे एश्योर करवाता है कि कोई ख़तरे की बात नहीं।
और फिर वो दोनों कैफ़े से बाहर गली में जाते हैं और यहाँ चंगेज़ स्ट्रेंजर को गुड बाय कह देता है और यूँ ये नावल यहाँ एंड होता है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।